राजस्थान के धौलपुर में 9 महीने बाद हुई साधारण सभा की नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने जैसे ही प्रस्तावों को लागू करने की घोषणा की तो पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा इतना बढ़ गया कि सभापति और प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया, जिसका विरोध भी पार्षदों ने किया। वहीं पार्षदों के हंगामे के बीच सभापति ने बिना सहमति के कुछ बिंदुओं को पारित कर दिया। ये तो बोर्ड की मीटिंग का एक दस्तूर है कि छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग शांतिपूर्वक शांत हो गई और उनकी जो कुछ पार्षदों की जो नगर परिषद से शिकायत है उस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। टीम 2 महीने बाद आउट हुई थी, लेकिन आज की बोर्ड की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है वो सभापति की हठधर्मिता है, उनकी दादागिरी है। वो किसी भी पार्षद की सुनने तैयार नहीं है एक एजेंडे पे, जबकि उनके कम पार्षद होते हुए उनको उन्होंने सर्वसम्मति से पारित करा दिया, जबकि हमारे 26-27 पार्षद थे उनके खिलाफ हमने जमकर नारेबाजी की है और आगे जो भी कार्रवाई हमसे बन पड़ेगी वो करेंगे। साधारण सभा की मीटिंग में हंगामा होने की आशंका से अधिकारियों के आदेश से यहाँ पर आए हैं और अब मीटिंग खत्म हो गई है शांति से। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।